हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सम गुड पॉइंट्स एंड बेस्ट करियर ऑप्शंस इन आफ्टर बीटेक। ओके, सो बहुत सारे बच्चों को ये आइडिया नहीं होगा कि अपन बीटेक के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है। उससे पहले बहुत मतलब बुरी कंडीशन इंजीनियरिंग की, सबसे पहले तो मैं यही बता रहा हूँ। ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ ना, ऑल ओवर इंडिया के अंदर और ऑल ओवर टोटल वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट नंबर पे, एक नंबर पे इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है इंडिया और दो नंबर पे प्रोड्यूस करता है चाइना। जिसके अंदर क्वालिटी इंजीनियर्स की अगर अपन बात करें तो ये दोनों ही कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में सबसे लास्ट ही आप ऊपर नीचे गिन सकते हो। ये कंडीशन है और प्रोड्यूसिंग के अंदर फर्स्ट और सेकेंड पे है ये दोनों, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ जो इंडिया जो प्रोड्यूसिंग कर रहा है इंजीनियर्स ज्यादा से ज्यादा बना रहा है, पैदा कर रहा है इंजीनियर्स को, एक जो एनालिसिस किया गया है एटलीस्ट 2016-17 के आंकड़े के अनुसार आपको मैं बता रहा हूँ, ओनली फॉर 6.67% इंजीनियर्स आर केपेबल फॉर जॉब इन ओनली इन इंडिया, ठीक है। जो ओनली इंडिया के जो है 6.67% इंजीनियर्स ही जॉब के लिए लायक हैं। और यार मतलब इतनी ज्यादा सिचुएशन खराब है कि ऑल ओवर इंडिया में एक साल के अंदर 11.3% जो है इंजीनियर्स वो सुसाइड करते हैं, जिसके अंदर कोटा के बच्चे जो है वो शामिल नहीं है, ठीक है। और अगर कोई इंजीनियरिंग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो कोई इम्प्लॉय है, कोई बहुत बड़े कॉलेज का डायरेक्टर है, वो ये वीडियो को वॉच बिल्कुल ना करे, ठीक है। उसके अंदर मैं इतने ज्यादा फैक्ट बताने वाला हूँ कि वो सुसाइड करके मर जाएगा। तो आई फुली रिकमेंडेड फॉर यू कि तुम भाई प्लीज वीडियो को छोड़ के भाग जाओ, ठीक है। मेरे को एक दो व्यूज से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डायरेक्टर वगैरह जो भी है बहुत बड़ा बड़ा ऊपर का आदमी है तो वो छोड़ के भाग जाए, ठीक है। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो भी बहुत सारे फ्रॉड कॉलेजेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन फ्रॉड है, बहुत सारे बच्चों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अब अपन बात कर लेते हैं बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज। अगर तुम्हारे साथ फ्रॉड हो भी गया है, ऐसे उल्लू कॉलेज में अगर तुमने एडमिशन ले भी लिया है, तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। उसके बारे में कुछ अपन डिस्कस कर लेते हैं। गेट वेट का तुम लोगों ने नाम कुछ सुना होगा, उसके बारे में कुछ बता देता हूँ। कुछ जॉब वॉब लग जाएगी, शादी वादी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑप्शन फॉर, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारा का सारा सीन फर्स्ट टायर और सेकेंड टायर कॉलेजों में बिल्कुल नहीं होता है। ये जो सीन है वो सारा का सारा थर्ड टायर जो कॉलेज होते हैं उसके अंदर होता है। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा कि यार थर्ड टायर्ड कॉलेज कौन सा होता है, तो भैया थर्ड टायर्ड कॉलेज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस के अंदर इंक्लूड किया है कि थर्ड टायर्ड कॉलेज कौन सा होता है। थर्ड टायर्ड कॉलेज वो होता है जिसके अंदर कोई प्लेसमेंट नहीं होता, कोई कंपनी अच्छी कंपनीज विजिट नहीं करती, अच्छे लैब्स वगैरह कुछ नहीं होता, टीचर फैकल्टी कुछ नहीं होती, बस बच्चों से लाखों रुपए में फीस ऐंठी जाती है, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनको बर्बाद किया जाता है। और जो नॉर्मल कॉलेज होते हैं अच्छे, IIT, NIT, GFTI, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेज को अपन छोड़ दें, तो और जो जितने भी कॉलेज बच के ना वो सारे के सारे थर्ड टायर्ड कॉलेज हैं। अब आपने एडमिशन तो ले लिया यार, अब ठीक है, अब आपको आगे की सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, ब्लास्ट हो गए, क्या हो गया। अब मैं आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज बता देता हूँ जो भी आप थर्ड टायर्ड कॉलेज के अंदर हो। एक तो आप लोगों के पास ये ऑप्शन हो सकता है, आपकी फैमिली का कोई स्टार्टअप हो, कोई कंपनी हो, कोई कुछ भी आपकी अगर फैमिली का हो, तो आप उसमें जो जिन भी 1-2% बच्चों का होता है वो डायरेक्टली इनरोल हो जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन आप लोगों के पास ये हो सकता है कि आप कॉलेज के प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं, बीटेक वाला अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के पास। अगर आपको 8 LPSC लेके 12-13+ LPA का अगर प्लेसमेंट बीटेक में मिल रहा है तो डायरेक्टली अडॉप्ट कर लो, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब थोड़े एटलीस्ट 6-7% बच्चे ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, SSC, CDL, बैंक, ओके, सो वो मतलब उसके अंदर सक्सेस नहीं होते क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो आर्ट्स वगैरह कॉमर्स वगैरह के बच्चे होते हैं वो सारे के सारे इधर ही आते हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। और जो है मेरा आपको रिकमेंडेड ऑप्शन जो है ना वो है MBA, ठीक है। MBA के बारे में अपन गेट के बारे में, MBA के बारे में, GRE क्या होता है, ये आप लोगों ने जो लिखा हुआ देख रहे हो, इसके बारे में अपन आगे फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये क्या सीन है, क्या होता है इनमें, क्या नहीं होता है। यार जितने भी बच्चे हैं मैं फुली रिकमेंडेड करूंगा MBA के बारे में। देन उसके बाद आप लोगों के पास ऑप्शन हो सकता है यार गेट का। MBA का थोड़ा सा सिलेबस जो है आपकी इंजीनियरिंग डिग्री से डिफरेंट होता है, गेट का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है।
ओके, इस दोनों के बारे में अपन अगर आगे फर्दर चर्चा करेंगे। देन आप लोगों के पास एक और ऑप्शन होता है GRE का, जो कि इंडिया में सबसे अच्छा ऑप्शन आप लोगों के पास हो सकता है। ये GRE क्या होता है, जो आउट ऑफ इंडिया के जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं उनके अंदर आपको एडमिशन मिल जाता है, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी हो जाती है। ओके, सो GRE जो है उसके लिए आपको, GRE एक टेस्ट है, उसके अंदर जो है आपको इंडिया की, जो आउट ऑफ इंडिया की, USA की, कनाडा की, जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी है जैसे कैलिफोर्निया है, कैम्ब्रिज वगैरह वगैरह, ऐसे कॉलेजों में एडमिशन मिल जाता है। मेनली अगर मैं वैसे कहूँ, जैसे इंडिया में BTech में एडमिशन लेने के लिए JEE एडवांस में अच्छे मार्क्स लाने होते हैं जी, IIT JEE के लिए, वैसे ही अच्छे कॉलेज में आउट ऑफ इंडिया जैसे कैलिफोर्निया वगैरह वगैरह जो भी यूनिवर्सिटीज होते हैं, कैम्ब्रिज वगैरह, तो उसके लिए GRE का टेस्ट देना अनिवार्य होता है। 2-3% बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको जैसे UPSC, SSC, STM वगैरह वगैरह इनका जुनून सवार रहता है, तो वो लोग उसकी फर्दर प्रिपरेशन करते हैं। अब अपन आते हैं अपने टॉपिक की ओर। अपना जो है मेन टॉपिक यही है MBA का। ठीक है यार, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं ये बात कर लेता हूँ कि इंडिया के अंदर ना 90% फैमिली, 90 क्या 93-94% फैमिली ऐसी होती है जो कि बच्चों के बोलते हैं बेटा जो है आप BTech कर लो, और BTech के बाद एक अच्छी जॉब मिल जाए, बस शादी वादी हो जाए बस, और फैमिली, और बस उसके अंदर फर्दर चलते रहते हैं। यही चला आया है और अभी तक तो यही चल रहा है, यही देख रहा हूँ मैं कि अच्छी ठीक ठाक जॉब मिल जाए, एटलीस्ट 60 से 70 हज़ार रुपये पर मंथ, और शादी करा देते हैं लोग, एक ठीक ठाक कंपनी में जॉब मिल जाती है, बस ये सीन होता है इंडिया में। ठीक है, और ऑलमोस्ट बच्चे यही करते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों से कांटेक्ट किया, भैया हमें जस्ट प्लेसमेंट मिल जाए BTech 4 ईयर करने के बाद। ओके, तो अब अपन बात करते हैं यार MBA के बारे में। MBA क्या होता है, अगर आपको MBA करना है तो आपको एक टेस्ट देना होता है CAT का, केट जिसे बोला जाता है। उसके अंदर आपको जो है कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे इंडिया के अंदर टॉप IIM है, जैसे IIM अहमदाबाद है, तो केट के थ्रू आपको टॉप इंडिया के अंदर 20 कॉलेजों में अगर एडमिशन मिल जाता है तो जो है आपकी मतलब लाइफ डंकी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। यहाँ का जो प्लेसमेंट है, डेस्टिनेशन है जो है MBA, इंडिया में मान सकते हो सबसे अच्छा टॉप का है MBA। ठीक है, जैसे आप IIM से कर सकते हो, IIT और NIT, IIIT, बस खत्म, ब्लास्ट फ्लो। ओके, और यार इसका प्लेसमेंट जो है ना एटलीस्ट 29 लाख एवरेज बता रहा हूँ मैं, एवरेज है 29 लाख, और CTC है। अब ये CTC क्या होता है भैया, ये कॉस्ट टू कॉस्ट डिपेंड करता है कंपनी पे। अब ये कॉस्ट टू कॉस्ट क्या होता है, इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। वैसे कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब ये होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज होती है जिसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी सर्विसेज होती है, जैसे कैंटीन लगा हुआ है, AC लगे हुए हैं, बार लगा हुआ है, ओके, LEDs लगे हुए, बहुत सारे कैफे लगे हुए हैं, तो उनकी थोड़ी थोड़ी आपकी जो सैलरी डिटेक्शन किया जाता है उसे बोलते हैं कोस्ट टू कोस्ट कंपनी। डेस्टिनेशन बहुत अच्छी होती है यहाँ की, आपका रेपुटेशन बहुत ज्यादा होती है, फीस सैलरी तो आपको पता ही है खूब मिलता है, इससे ज्यादा और सैलरी कहाँ मिलेगा, MBA से ज्यादा सैलरी आपको नहीं मिल सकता इंडिया में यार। जैसे जिस प्रकार से आपकी सैलरी हो जाएगी MBA, अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से 20 टॉप 20 में कर लेते हो, आपकी शादी आसानी से हो जाएगी, इजीली मैरिज हो जाएगी और आपकी स्किल गुड हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, यार ये मैं मैरिज वाला क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि शादी भी नहीं होती है बहुत सारे लोगों की। और ये मैरिज का मैंने क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की, अगर तुम लोग उसके अंदर एडमिशन तभी ले ले पाओगे जब आपकी शादी नहीं होगी, अगर तुम्हारी शादी हो चुकी है तब तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और अब आगे अपन देखते हैं फर्दर गेट के बारे में। यार MBA अच्छा ऑप्शन है, और आई रिकमेंडेड फॉर यू MBA ही एक आई थिंक तुम्हारे पास ऑप्शन है। अब गेट भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, गेट के बारे में अपन आगे देखते हैं, गेट क्या सीन होता है बच्चों। ओके, सो तो स्टूडेंट गेट जो है, गेट के थ्रू आपके पास दो ऑप्शन है, एक गेट जो आप एडमिशन ले सकते हो MTech के अंदर जैसे IITs वगैरह में, ओके, और एक आप लोगों के पास ऑप्शन हो सकता है कि आप PSU में जॉब कर सकते हो। ठीक है, अब आपको गेट लेना है, गेट में MTech करना है या जॉब करनी है, वो मैं आपको एक फर्दर अलग वीडियो बना दूंगा, IBTN में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रहा हूँ। अब मैं सिंपल आपको इसका ब्रीफ प्रीव्यू दे देता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है, MTech एडमिशन में क्या होता है या PSU क्या होता है। ओके, सो एडमिशन जो है, अगर आपकी गेट के अंदर अगर अच्छी रैंक आती है तो आप IIT NIT जो अच्छे रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है उसमें आप एडमिशन,
ओके सो जस्ट ये जो है ना एडमिशन इन आईआईटी एनआईटी आईआईएसटी, ठीक है, तो गेट में ये आपको एमटेक का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और एक आपके लोगों के पास ये ऑप्शन अच्छा हो सकता है, अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो। इसके लिए थोड़ा फंडा थोड़ा सा डिफरेंट है, गेट तो आपको देना ही देना होता है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स सेमेस्टर एग्जाम में लाने होते हैं, एटलीस्ट आप 9 CGPA अगर आप कवर करते हैं, आपको कुछ रिसर्च पेपर एनालिसिस करने होते हैं, कुछ पेपर वगैरह भी लिखने होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोई मुंह उठा के चला जाएगा आईआईटी से पीएचडी करने बीटेक करने के बाद डायरेक्टली, ओके आईआईटी में। सो अगर मैं बात करूँ एमटेक की, 2021 में जो प्लेसमेंट्स हुए हैं दिसंबर के अंदर, तो आईआईटी खड़गपुर का सीटीसी रेशियो बता रहा हूँ आपको, इंटरनेशनल है ये, 2.05 करोड़ दिसंबर इन सीएच ब्रांच इन एमटेक आईआईटी खड़गपुर। ओके और अब अपन बात करते हैं पीएसयूज के बारे में। यार पीएसयूज क्या होता है? पीएसयूज ऑलमोस्ट आप गवर्नमेंट ही मान सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो पैसा है वो प्राइवेट का होता है, पब्लिक का होता है। अब ऐसा नहीं है कि हर कोई डाल देगा, जो बड़े बड़े लोग हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्री वाले डाल दें अगर, जैसे पीएसयूज कौन कौन से है, जैसे एचसीएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, सेल है, और जैसे टाटा इंडस्ट्री है, ठीक है, जैसे रतन टाटा ने अभी एयर इंडिया लिया है, आपको पता होगा, ठीक है, तो ये भी एक जो है पीएसयूज है। तो ऐसी जो इंडस्ट्रीज होती है इनको, मतलब कंपनीज होती है। अब यार पीएसयूज और गवर्नमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है? तो अगर आपकी गवर्नमेंट के अंदर सैलरी अगर 10 लाख रुपए है, तो पीएसयूज के अंदर आपकी सैलरी होगी 18, 19, 20, 21 लाख तक। ओके क्योंकि पीएसयूज में ऑलमोस्ट प्लेसमेंट जो है डबल होता है। अभी ये पीएसयूज में सीन कब से स्टार्ट हुआ गेट से लेने का? वैसे अगर मैं बात करूँ तो 2013 से पहले जो है 13-14 तक जो सारी की सारी पीएसयूज अपना सारा का सारा जो टेस्ट है वो अपना खुद कंडक्ट करवाती थी अपने बेसिस पे, लेकिन अभी जो है सारी की सारी जो पीएसयूज हैं, एटलीस्ट ज्यादा नहीं है पीएसयूज जो आपको अच्छा पैकेज दे सकती हैं, जो पीएसयूज हैं मैं आपको सीटीसी बता रहा हूँ, कोस्ट टू कोस्ट 21-22 लाख रुपए तक आपको पे करती है, और आपकी मतलब एक अच्छी लाइफ होती है, आपकी शादी आसानी से हो जाती है, एक सिक्योर जॉब होती है, आपको कोई निकाल नहीं सकता, प्राइवेट टाइप नहीं है, और गेट के अंदर आपको अच्छी रैंक लानी होती है, तो जब लाके आप एटलीस्ट पीएसयूज के अंदर आप जॉब कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। और यार आपकी जो सैलरी है वो डे पर डे जैसे जैसे आगे इंक्रीज ही होगी, फ्यूचर के अंदर आपकी सैलरी को जो है कम नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों के पास गेट के बाद ये दो ऑप्शन हो सकते हैं गेट में, एक तो आप एमटेक कर सकते हो या पीएसयू में जॉब कर सकते हो। अब जिन बच्चों का ये है कि भैया मेरे को तो एकदम सिक्योर जॉब चाहिए, मेरे को कोई लफड़ा फड़ा नहीं चाहिए, पढ़ाई लिखाई और ज्यादा करो, जस्ट मेरे को जॉब मिल जाए, पैसा मिल जाए बस, तो यार उनके लिए तो ठीक है पीएसयू वो कर सकते हैं। अब एक बंदा वो होता है कि यार मेरे को किसी के नीचे काम नहीं करना, मेरे को ऐसे वैसे बहुत ज्यादा ऊपर तक जाना है, तो वो बंदा जो है एमटेक कर सकता है अच्छे आईआईटी से, अगर गेट में अच्छा रैंक लाए तो। अगर आपको अच्छे आईआईटी से एमटेक करते हो तो आपको डायरेक्टली पीएचडी आईआईटी से मिल जाएगा, और अगर आप डायरेक्टली पीएचडी आईआईटी से कर सकते हो तो भाई साहब आप 1 लाख रुपए कहीं भी नहीं छोड़ने वाले, किसी प्राइवेट अच्छे कॉलेज में कि अगर आप दे देते हो अपना रिज्यूमे तो आपको आसानी से 1 लाख रुपए तो मिल जाएंगे, ठीक है, तो वैसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऑल ओवर बस यही प्रॉब्लम है कि नॉलेज नहीं है ज्यादा, स्किल्स नहीं है बच्चों के पास, ओनली फॉर मैंने आपको बताया ना 7-2% ही केपेबल इंजीनियर्स है इंडिया के अंदर। ओके और इसके अंदर जो है बहुत सारा सीन जो है कॉलेज का भी है, कॉलेज वालों को भी दोषी बता रहा हूँ मैं इसमें, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, क्योंकि अगर मैं मेरे कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो यार बच्चों को अभी तक ये नहीं सिखाया गया कि वेल्डिंग क्या होता है, 2 साल हो चुकी है बच्चों को कंप्लीट कराए इंजीनियरिंग, और जस्ट लाइक ये अपनी इन बच्चों की ऐसी जिंदगियां बर्बाद हो रही है, खत्म हो रही है, ब्लास्ट हो रही है, इनको कोई लेना देना है नहीं, इनको पता भी नहीं होता कि सिंपली हमारी जीवन में हो क्या रहा है, हमें करना क्या है, इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हमें ये फिजिक्स वाली किताब पढ़ के कुछ काम आने वाली ही है। अगर ये बच्चे एचएल में जाते हैं, एनएल में जाते हैं, किसी अदर छोटी सी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं, तो इनकी बुक्स कहीं भी काम नहीं आने वाली।
अगर इनको कोई मशीन चलानी आती है, कोई वर्क करना आता है, ये लोग फर्निस लेब के अंदर कुछ अगर कर सकते हैं तो वो इंडस्ट्री के लायक है, वरना इनको बुक्स पढ़ने का इंडस्ट्री में कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला। जितने भी इंजीनियर्स हैं, बच्चा लोग हैं, वो कान खोल कर ये बात याद रखे, जितना ज्यादा हो सके लेब के अंदर व्यतीत करो अपना टाइम, और कुछ मशीनों के साथ छेड़छाड़ करो। थ्री इडियट्स भी देखे सारा, ठीक है, किस कैसे कैसे जो आमिर खान था वो कितने मतलब पेचकस से क्या क्या खोल देता था, चाहे वो फ्रिज हो, मशीन हो, डोर 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 डोर, तुमको नहीं खोलना है वरना कॉलेज वाले तुमको खोल देंगे बच्चा, ठीक है। तो जस्ट यही कहना चाहूंगा यार, पढ़ाई लिखाई करो और स्किल्स जो है, ठीक है, कोई भी कंपनी नहीं देखती कि तुमने तुम्हें क्या आता है वहां पे। अगर तुम्हें इंडस्ट्री में अगर जॉब मिल रही है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की मिल रही है, कंप्यूटर साइंस की मिल रही है, तो कोडिंग आनी ही चाहिए, मैकेनिकल की मिल रही है तो मशीन चलाना आना ही चाहिए, आना ही आना चाहिए, सॉलिड वर्क्स, केटिया वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी डॉट 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 होता है, डिजाइनिंग आनी ही आनी चाहिए, किसी भी हाल में आनी चाहिए। तो ऑलमोस्ट बच्चों को यही नहीं आता, इसलिए कैपेबल कैसे हो सकते हैं, इसलिए 7% बच्चे ही। और यार आजकल जो है कॉलेज के अंदर मतलब पता नहीं 2 4 दिन का क्या बोलते हैं, मतलब रोशनी है फिर वापस अंधेरा हो जाएगा, कुछ दोस्तों के चक्कर के अंदर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं बच्चे की, ये भी गालियां निकाल रहा है, वो भी गालियां निकाल रहा है। जैसे ये कुछ जो इंडस्ट्री है, जैसे बीबी की वाइंस है, आशीष चंचलानी है, डो 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 जो भी है, उनकी वजह से थोड़ा एक क्रेज में आ गया गाली निकालने वाला। तो बहुत सारे बच्चे तो मैं देखता हूँ कॉलेज के अंदर हॉस्टल में, कि जो बच्चे जितना बोलते हैं ना, जैसे 100 वर्ड बोल रहे हैं तो उसमें से 70 वर्ड गालियां बोलेंगे और 30 वर्ड ही काम के होंगे, जो कि आगे आने वाले को समझा रहा है। मैं वो आपको गालियां नहीं सुना सकता, लेकिन रियलिटी यही है कि एटलीस्ट ऐसे इंजीनियर्स इंडिया का फ्यूचर है। तो जस्ट आप देख सकते हो गेट पीएसयू, अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो कुछ हो सकता है, वरना तो खत्म, ब्लास्ट फ्लो, खूब पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो, देश को संभालो। और जॉब्स पैसा बहुत ज्यादा है यार, जॉब्स की कमी नहीं है। और अगर मैं वैसे अगर अपन बात करूँ, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि पीएचडी किए हुए बंदे ने अप्लाई किया पीओन के लिए जॉब, वाई, उसको पैसों की जरूरत है, उसके पास जॉब नहीं है। अगर मैं 1 लाख रुपए पर मंथ अगर मैं कमा रहा हूँ ना, अगर मैं पीएचडी कर ली, मैंने अगर जॉब नहीं है मेरे पास, तो भी मैं पीओन के लिए अप्लाई क्यों करूंगा। अगर मैं यूट्यूब मेरा सोर्स है, अगर मेरा वेबसाइट मेरा सोर्स है, कोडिंग मेरा सोर्स है, वेबसाइट डिजाइनिंग मेरा सोर्स है, तो मेरा पैसा आ सकता है ना उससे, तो मैं पीओन के लिए अप्लाई क्यों करूंगा। तो मेन मोटिव समझे क्या चीज है, मेन मोटिव है पैसा, ठीक है। बस पैसे के लिए मतलब पीओन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गूगल में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, अब एक ऑप्शन आप लोगों के पास जो था एनआरआई वाला, ठीक है, जीआरआई क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, जीआरआई एक टेस्ट है, ओके, सो कि टॉप यूनिवर्सिटीज है ना वर्ल्ड की, जैसे कैलिफोर्निया है, अदर अदर जैसे कैम्ब्रिज है, रशिया की है, और जो भी यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो कनाडा हो, अदर अदर यूनिवर्सिटीज हो, उसके अंदर एडमिशन लेने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है वो जीआरआई टेस्ट लिया जाता है, ओके, और जीआरई होता है, सॉरी, जीआरई टेस्ट होता है ये। उसके अंदर जैसे कि अपने इंडिया में होता है ना, कुछ कॉलेजेस जैसे जेई के बिना ही एडमिशन ले लेते हैं, वो घटिया कॉलेज होते हैं, जैसे आईआईटी विदाउट जेई के एडमिशन नहीं लेता, राइट। तो वो उस वाला सीन है, तो जिनके बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं जीआरई के अंदर, तो उनको ही मिल पाता है एडमिशन उसमें, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं यार, 340 नंबर का पेपर होता है, अगर उसके अंदर आपके 320+ अगर अपन मार्क्स आते हैं, तभी जो है आप कैपेबल हो अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए। और एक ये भी ऑप्शन हो सकता है, जैसे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया आईलेट्स और जे पीटी वगैरह जो होता है आईई, जैसे ये आईलेट्स होता है एक और ये पीटी होता है एक, ठीक है स्टूडेंट। तो यार इसमें तो सिर्फ लैंग्वेज होती है, जैसे आपको रीडिंग राइटिंग स्किलिंग बस ये लिखना होता है, तो उसको बोलते हैं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जीआरई के अंदर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री, आपकी जो भी हाई स्किल, जो हाई लेवल जॉब डिपार्टमेंट आप समझ सकते हो वो होता है, ठीक है। ये तो एकदम मतलब बच्चे हैं, बच्चे समझ सकते हो आईलेट्स और पीटी को, तो ये जीआरई जो है ये बहुत बड़ा बंदों का काम है, ठीक है। तो इसके अंदर रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन मिलता है, ऐसा वैसा नहीं है, जिसके 320+ मार्क्स है ना उसी का ही कुछ हो पाता है, और जिसके मतलब उससे नीचे मार्क्स है उसका कुछ नहीं हो सकता।